एवरीवन, कैसे आप लोग? मेरा नाम फराज देशमुख, अगर आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ा था। उसका एक स्पेशल केस है जिस पे जेई में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो वो केस को हम अलग से इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये है पॉइनमर अपॉन पॉइनमर फंक्शन, मतलब रैशनल फंक्शन है जहाँ पर एम एन एन आर पॉजिटिव इंटीजर। ये इस पॉइनमर की डिग्री एम है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री एन है। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर m इक्वल टू n है, मतलब दोनों की डिग्री सेम है, अगर दोनों की डिग्री सेम है तो आंसर आएगा तुमको हमेशा a नॉट बाय b नॉट। मतलब क्या, जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री होती है, उनके कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर आएगा हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज। मतलब अगर मैं लिखूं इधर कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x³ प्लस 3x² अपॉन x³ प्लस 1, तो बच्चों दोनों के ऊपर ऊपर का और नीचे के दोनों की डिग्री सेम है, 3 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 अपॉन 1। x³ का कोएफिशिएंट अपॉन x³, नीचे वाले x³ कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट पावर का कोएफिशिएंट अपॉन ग्रेटेस्ट पावर का कोएफिशिएंट, तो यही आंसर आएगा। अगर तुम उसको प्रॉपर मैसेज भी करोगे, x³ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करोगे, तो ये 2 बचेगा, 3 बाय x 0 हो गया, 1 1 बाय x³ 0 है, वो याद है। अच्छा, ये कब होगा, जब दोनों भी सेम डिग्री के। अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी होगी, मतलब नीचे वाले की डिग्री बड़ी है, तो देखो x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी पहले भागेगा इसके मुकाबले, क्योंकि ये जो है, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, तो ये इन्फिनिटी पहले जाएगा इसके मुकाबले। तो जब ये फाइनाइट रहेगा इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, ऐसे हो सकते हैं, तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी 0 आंसर आ जाएगा। वैसे इसको सोचते ऐसे याद रखने बेहतर है कि नीचे की डिग्री अगर बड़ी है तो हमेशा आंसर 0 आएगा। इसको भी तुम एग्जाम्पल समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट x³ प्लस x² है और नीचे x⁴ है, ठीक है, तो इसका आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि तुम x⁴ से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय x और ये 1 बाय x² हो जाएगा, और लिमिट क्या है, x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 0 प्लस 0 0 ही आंसर आएगा, करेक्ट। तो एक जनरल रूल बना देते हैं, अगर नीचे की डिग्री बड़ी है तो 0 ही आएगा, अगर ऊपर की डिग्री बड़ी हो नीचे से तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ऊपर का अभी डोमिनेट कर रहा है, नीचे कर रहा है तो 1 बाय इन्फिनिटी डोमिनेट कर रहा था, 0 आ रहा था, तो इन्फिनिटी आएगा। अब इन्फिनिटी में दो केस बन जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी आएगा कि माइनस इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी तो आएगा, दोनों में से कौन सा आएगा, अब वो साइन पे डिपेंड करता है, ए नॉट और बी नॉट के। अगर ये दोनों सेम साइन के हैं तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, अगर ये दोनों सेम साइन के हैं मतलब ए नॉट बी नॉट का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है ना, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, और अगर ए नॉट बी नॉट का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो गया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है तो माइनस इनपुट जाएगा, और अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है तो प्लस इनपुट जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, तुमको डिग्री देख के डिसाइड करना है इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हो देखते। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एफएक्स तुमको दिया है और फाइंड ए एंड बी पूछा है, तो एफएक्स के अंदर ए और बी है और कंडीशन दे दिया है, 3 क्वेश्चन बन गए इस पर। ये क्वेश्चन इनफ है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो बच्चों पहला जो बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एक्स की असली वैल्यू लिख देते हैं, x² + 1 अपॉन x + 1 - ax - b = 0। मतलब तुमको इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ए और बी मिल जाए, लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, लिमिट इज ऑलरेडी गिवन, तो इसको जब इधर भेजेंगे हम लोग तो माइनस एन कॉमन निकाल लिया, ax + b हो गया और यहाँ पर x + 1 आ गया। सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन है ये पॉलीनोमियल अपन पॉलीनोमियल फॉर्म में नहीं है, मतलब ये एडेड है कुछ, अभी पॉलीनोमियल अपन पॉलीनोमियल फॉर्म में आ गया जो हमारा टॉपिक था। तो इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो x² - ax², तो x² कॉमन निकाला, यहाँ से 1 - a मिला, ठीक है, फिर -ax × 1 तो माइनस कॉमन निकला, a + b x मिला, देख लो कैलकुलेशन। हाँ माइनस, मतलब ये सब सॉल्व करके मैं लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में b × 1 b मिलेगा और यहाँ से 1 आएगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ किया नहीं, नया सिर्फ मल्टीप्लाई किया,
और ए एक्स इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर हो गया था, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, वन माइनस ए हो गया था। अच्छा माइनस बी, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस बी माइनस वन हो जाएगा, सब नेगेटिव हो गया, फाइनल ये मिलेगा। तो बच्चों जिसको जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो एक बार खुद से प्रॉपर इसको मल्टीप्लाई करके सब कॉमन निकालते हैं। अब ये अपना फॉर्म बन गया, ऊपर पॉलीनोमियल नीचे पॉलीनोमियल, ऊपर का डिग्री 2 है नीचे का डिग्री 1 है, आंसर क्या आ रहा है 0। अभी हमने देखे थे कि 0 आंसर आ रहा है, मतलब नीचे का डोमिनेट हो रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो ये इन्फिनिटी बड़ा होगा, मतलब नीचे की डिग्री बड़ी होना चाहिए। 0 आ रहा है मतलब नीचे की डिग्री बड़ी होना चाहिए। अब क्या आ रहा है, ऊपर की डिग्री बड़ी दिख रही है, तो मैं बोलूंगा कि भाई नीचे की डिग्री बड़ी होना चाहिए एज पर आर थियरी। तो मैं बोलूंगा ये नहीं होना, ये टर्म होना नहीं चाहिए भाई, ये टर्म नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा वन माइनस ए को 0 कर दो, ए की वैल्यू मिल गई 1, फाइंड योर भी क्वेश्चन है ना, 1 माइनस ए को 0 कर दो, तो ये टर्म गायब। लेकिन फिर तुम लोग बोलोगे सर एक्स इधर भी है, इधर डिग्री सेम होगी, डिग्री सेम होने पे 0 थोड़ी मिलता है, डिग्री सेम होने पे तो ए नॉट बाई बी नॉट मिलता है, फाइनाइट वैल्यू मिलती है, करेक्ट ना। तो बोलूंगा यार ये भी नहीं चाहिए, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 कर दो, ये दोनों टर्म उड़ा दिया। अब डिग्री होगी ना, एक्स डिग्री 1 थी, इसकी डिग्री क्या है, कॉन्स्टेंट है, 0 है, इसकी डिग्री 0 है, तो ये टर्म भी गया, ये सब को भी उड़ा दिया। तो ये देखो इस थ्योरी को हमने ऐसे यूज किया, तो यहाँ से मुझे ए इक्वल टू 1 मिल गया और बी इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस 1 मिल गया, ए और बी दोनों मिल गए। तो अगर ये केस है तो ए और बी की वैल्यू क्या है। सेकेंड क्वेश्चन पे आओ, सेकेंड क्वेश्चन में इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब जरूर ऊपर का डोमिनेट हो रहा है, जरूर ऊपर का डोमिनेट हो रहा है। अभी देखो ये जो हरकत है ये यहाँ से यहाँ तक सेम ही रहेंगी हर क्वेश्चन, तो मैं वही कॉपी कर लूँगा। एक्स स्क्वायर तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये है इन्फिनिटी, ऊपर का डोमिनेट हो रहा है, ये बात तो समझ गई। तो मतलब ऊपर का डोमिनेट हो रहा है, और अपने दिख भी रहा है ऊपर का डोमिनेट हो रहा है, क्योंकि ऊपर की डिग्री 2 है नीचे की डिग्री 1 है। तो क्या मतलब कंडीशन क्या मिलेगी कि ये डोमिनेट हमेशा होते रहे, मतलब 1 माइनस ए 0 ना हो, जैसे 0 होगा तो गायब हो गया टर्म। हम चाहते हैं ऊपर का डिग्री हमेशा बढ़ा रहे, तो ऊपर का डिग्री 2 है नीचे का 1 है, तो ऊपर ये जिंदा होना चाहिए, ये गया तो डिग्री सेम हो जाएंगी, इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड बात, प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है, तो तुम लोग को याद होगा कि ए नॉट बी नॉट जब पॉजिटिव हो तभी प्लस इन्फिनिटी मिलता है। तो ए नॉट मतलब सबसे ऊपर वाले डिग्री का कोएफिशिएंट जो कि 1 माइनस ए है, और बी नॉट मतलब नीचे वाले का है जो कि 1 है, ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर प्लस इन्फिनिटी, तो नॉट इक्वल टू 0 तो है ही, तो ये कंडीशन ज़्यादा बेटर है। तो 1 ग्रेटर देन ए तो ए लेस देन 1 मिला। अब बी की वैल्यू कोई बताएगा मुझे, बी क्या होगा, बी क्या होगा, ए मिल गया बी क्या होगा। तो बी का ऐसा है कि बी कुछ भी हो सकता है, बी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, बी बिलोंग्स टू रियल, बी कुछ भी पुट करो, ये जिंदा कब रहेगा जब ए लेस देन 1 हो, तो ये प्लस इन्फिनिटी दे रहा है। अगर ये हट भी गए दोनों तो भी क्या फर्क पड़ता है, ऊपर एक्स स्क्वायर तो बचा है ना, डिग्री तो बड़ी वाला बचा है ना, एक्स्ट्रा टर्म नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, कॉन्स्टेंट नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे ना, क्लियर है बात। तो बी पे इंडिपेंडेंट था इसलिए इसका आंसर क्या, बी बिलोंग्स टू रियल, ए लेस देन 1। अच्छा इधर आ जाओ, फाइनाइट तो हम लोग वो तो पहले वही लिख देंगे, ये हो गया 2 फाइनाइट, मतलब दोनों की डिग्री सेम है, नीचे की डिग्री 1 है तो ऊपर की भी होना चाहिए 1, लेकिन ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस ए को 0 करना पड़ेगा, ये टर्म गया तो डिग्री होगी सेम, सही है ना, ये टर्म गया तो डिग्री क्या हो जाएंगी सेम, तो ए की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन है कि बी क्या है, ए मिल गया इक्वल टू 1। अब मैं 1 इधर पुट कर देता हूँ, अभी देखो अपने को यहाँ बी इतना आसानी से नहीं मिलेगा, हम लोग इसको लिखना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जो बचा कुछ है, ए 1 पुट किया गायब हो गया, ए 1 इधर पुट किया 1 प्लस बी एक्स माइनस बी माइनस 1 एक्स प्लस 1। एक बात बताओ, हमने देखे कि सेम डिग्री अगर है तो आंसर क्या आता है, ए नॉट अपॉन बी नॉट आता है, तो ए नॉट क्या है, ए नॉट मतलब सबसे बड़ी पावर कोई भी है, इधर एक्स ही है,
तो माइनस वन प्लस बी अपॉन वन, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट वन है, यही आता है ना, यही आता है। और ये हमको दिया है टू क्वेश्चन में, जो भी आंसर आएगा वो हमारा टू है। तो वन प्लस बी इक्वल टू हो गया माइनस टू, तो बी इक्वल टू हो गया माइनस थ्री, तो ए वन है बी माइनस थ्री है। इन्फिनिटी जीरो में तो और इन्फिनिटी में हमको नहीं मिला, लेकिन इसमें एक्जैक्टली हमको इक्वेट करके मिलना, इधर कंडीशन पे ही आंसर आ गया हमारा, क्लियर है। तो बच्चों वो टॉपिक जो हमने पढ़े उस पर वो बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ रैंडम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जो बताना जरूरी वो देख लेते हैं। जैसे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुमको दिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसका फॉर्मूला हम सबको पता है, n इंटू n प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर, ये तो नीचे लिखा है करेक्ट, ऊपर वाले का फॉर्मूला का दी, तो n n कैंसिल हो गया, तो ऊपर n बाई टू प्लस वन बाई टू है और नीचे n है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो हमारे प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ग्रेटेस्ट डिग्री है वो n ही है, x की जगह n है, तो ऊपर का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, इसका पावर वन, इसका पावर वन, तो ऊपर का कोएफिशिएंट क्या है वन बाई टू, नीचे का वन, तो वन बाई टू बाई वन, वन बाई टू आंसर, क्लियर। तो इसमें एक समझने वाली बात है कि अगर सम नेचुरल नंबर्स का है तो तुमको जो आंसर मिला वो क्वाड्रेटिक मिला, क्योंकि n इंटू n n स्क्वायर हो। अगर सम जैसे कि इसका क्वेश्चन बना दिया, फिर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर है और नीचे एन क्यूब है, तो इसका जो सम है ना वो तुमको, क्योंकि स्क्वायर का एडिशन है तुमको क्यूब में मिलेगा, तो इसका जो सम होता है वो होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। तो देखो ये क्यूब में मिला है, तुम क्यूब में मिला है, अब इसका आंसर क्या रहेगा, देखो दोनों ही कोएफिशिएंट सेम है ना, कोएफिशिएंट नहीं डिग्री सेम है, एन क्यूब है, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो एन क्यूब मिलने वाला है, तो नीचे वाले का कोएफिशिएंट एन क्यूब का तो वन है, ऊपर वाले के एन क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, टू बाई सिक्स आ रहा है, देखो क्योंकि सिक्स तो है हर जगह, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, टू एन क्यूब हो जाएगा और उसके नीचे सिक्स तो है, तो ये आंसर आ गया वन बाई थ्री, क्लियर। तो आंसर का पैटर्न कैसा है, एन स्क्वायर तो वन बाई टू है, एन क्यूब तो वन बाई थ्री है। सिमिलरली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अच्छा इसी क्वेश्चन में वन स्क्वायर वन रेस टू पावर हंड्रेड लिख देता हूँ, टू रेस टू पावर हंड्रेड लिख देता हूँ, n रेस टू पावर हंड्रेड तक कर दिया और नीचे n रेस टू पावर हंड्रेड एंड वन, क्योंकि इनका जो सम रहेगा एक पावर ज़्यादा आता है, ये स्क्वायर का आया था क्यूब, ये लीनियर का आया था स्क्वायर, एक पावर ज़्यादा, तो इसका जो स्क्वायर होगा इसका भी पावर जो हंड्रेड है इसका भी एक पावर ज़्यादा आएगा, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा वन अपॉन वन एंड वन, हालांकि हम कैलकुलेट नहीं कर पाते उसको, लेकिन हम अंदाजा लगा लेते, इसका जो पावर था वन बाई थ्री आया, इसका टू था। लेकिन तुम पैटर्न नोट कर रहे हो, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख देता लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन रेस्ट पावर हंड्रेड टू रेस्ट पावर हंड्रेड से लेके n रेस्ट टू पावर हंड्रेड और नीचे लिख देता n रेस्ट टू पावर हंड्रेड ही लिख देता, तो आंसर क्या आता बताओ। अब एक बात तो पक्की है, इसका जब सम होगा वो n रेस्ट टू पावर हंड्रेड एंड वन जाएगा, तो ऊपर का डोमिनेट हो गया नीचे का कम हो गया, तो आंसर इन्फिनिटी आता, ऊपर का n रेस्ट टू पावर हंड्रेड एंड वन जाएगा ना, एक ज़्यादा और नीचे क्या है n हंड्रेड है, इधर सेम था तो काम हो गया था, समझे, तो नीचे का ज़्यादा है कि ऊपर का ज़्यादा है, ऊपर का ज़्यादा है, सम होने के बाद n रेस्ट टू पावर हंड्रेड एंड वन आएगा, तो ऊपर का पावर नीचे पावर से ज़्यादा है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, उसी तरह से अगर नीचे का पावर ऊपर ज़्यादा है तो जीरो हो जाएगा, तो इस तरह से तुमको सोचना है इस क्वेश्चन पर। अब देखो इनको, ये तो एक सिंपल देखिए, एक जनरल क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहली बात ये जो ऊपर का है उसका सिग्मा लिख दो, सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेके एन आर, ठीक है देखो वन टू थ्री, उसका जनरल टर्म आर है, आर कभी वन होगा कभी टू होगा कभी थ्री होगा, और इधर आएगा एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है देखो तुम आर को वन पुट करो तो माइनस वन प्लस वन एन मिला, आर को टू पुट करो माइनस टू प्लस वन माइनस वन मिला एन माइनस वन, तो एन माइनस आर प्लस वन इसका जनरल टर्म आ गया, और नीचे का तो हमको याद है डायरेक्ट होता है, ठीक है। अब ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर में हो रहा है
मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर एन माइनस आर स्क्वायर। तो अगर तुम एन प्लस वन को देखो तो एन प्लस वन इंटू आर मल्टीप्लाई हुआ माइनस आर स्क्वायर, तो दो सिग्मा है और नीचे तुमको मालूम है जो है। अब सिग्मा बांट दो तो एन प्लस वन इंटू सिग्मा आर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ठीक है, ये अपनी कहानी हो गई। अब तुम लोग को तो सीक्वेंस सीरीज में हमने पढ़ा ही है कि सिग्मा आर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन होता है बाय टू, आर स्क्वायर क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और नीचे एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या दोनों दोनों की डिग्री सेम है क्या? ऊपर नीचे, नीचे क्या है तीन, ऊपर क्या है तीन, तीन। तो ये n इससे मल्टीप्लाई हुआ n, तो n का कोई इधर n क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है वन, और नीचे क्या है टू, तो आंसर क्या आएगा वन बाय टू माइनस इधर टू, टू बाय सिक्स, टू बाय सिक्स, और नीचे n इंटू एन टू बाय सिक्स। बच्चों तो कैलकुलेशन हो गया, आंसर आंसर खत्म, तो कैलकुलेशन है ना, ये वन बाय थ्री लिख दो, वन बाय थ्री लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ गई। तो कितने आसानी से हो गया जो हमने पढ़े उस पर बेस्ड। बस ये सब बात है, जिसको मुश्किल लग रही है उसका मतलब सीक्वेंस सीरीज मुश्किल है, उसको आता भी है इसलिए उसको मुश्किल लग रही है। इसमें लिमिट सब कुछ नहीं, लिमिट यहाँ पर आए। नेक्स्ट, अब देखो जब मैं एन को इन्फिनिटी डालता हूँ तो थ्री रेस्ट पावर इन्फिनिटी, फोर रेस्ट पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस्ट पावर जीरो फॉर्म बन गया, इन्फिनिटी रेस्ट पावर जीरो, क्योंकि वन बाई इन्फिनिटी जीरो। तो बच्चों अगर हम लोग सोचें तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है और मैं कॉमन निकाल लूँ सबसे बड़ा वाला जो एन में सिक्स रेस्ट पावर एन, तो बाहर निकलेगा तो पावर वन बाय एन लेके निकलेगा, सिक्स रेस्ट पावर एन बाहर निकला तो पावर ये वन बाय एन लेके निकलेगा, और ये थ्री बाय सिक्स होल रेस्ट पावर एन हो जाएगा, फोर बाय सिक्स होल रेस्ट पावर एन हो जाएगा, फाइव बाय सिक्स होल रेस्ट पावर एन हो जाएगा, प्लस वन होल रेस्ट पावर वन बाय एन। सही है, मैंने क्या किया सबसे बड़ा पावर बाहर निकाल लिया, अब ये एन एन कैंसिल हुआ सिक्स बाहर बचे। अब मैं जैसे इन्फिनिटी डाला क्योंकि ये वन से छोटा है, वन से छोटा रेस्ट पावर इन्फिनिटी जीरो, वन से छोटा रेस्ट पावर इन्फिनिटी जीरो, वन से छोटा रेस्ट पावर इन्फिनिटी जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस वन होल रेस्ट टू पावर जीरो, क्योंकि वन बाय इन्फिनिटी जीरो है, और इधर कहेंगे सिक्स, तो सिक्स इंटू वन आंसर सिक्स, सिंपल है दिखने में डिजाइन। हाँ, ये वो कॉन्सेप्ट जो लास्ट में सीखे थे उस पर बेस्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन थे दिखने में डेंजर बना के देख दिया है, यहाँ पर x टेंस टू जीरो ले लिया। हम सब जानते हैं कि x टेंस टू जीरो पे कोसेक इन्फिनिटी होता है क्योंकि वन बाय साइन होता है वो, और साइन जीरो इज जीरो, वन बाय जीरो इज इन्फिनिटी, तो कोसेक इन्फिनिटी होता है, ये भी इन्फिनिटी होता है, साइन जीरो होता है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर जीरो ही फॉर्म है ऊपर वाला, ये देखो। ठीक है, सबसे बड़ा ये है, हमने बिना सोचे समझे उसको निकाल लिया बाहर, तो ये n cosec square x बाहर निकला लेकिन अपने साथ पार्शल में लाया वन sin square x मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि बाहर निकल गया। अब क्या हो गया वही हो रहा कि वन बाय एन हो गया, टू बाय एन हो गया, और ये कहानी चलते रही डॉट डॉट, ये पूरा निकला हुआ है वन हो गया, और होल रेस्ट टू पावर है sin square x, होल रेस्ट टू पावर sin square x। तो बच्चों हो गया क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स वन हो गया, ये एन है, और ये वन बाय एन का पावर इन्फिनिटी जीरो, टू बाय एन का पावर इन्फिनिटी, इतना तो पक्का है ना, एन इन सबसे बड़ा है, ये वन से छोटा हो गया, ये वन से सब वन से छोटे हो, सबका पावर इन्फिनिटी जीरो, सब जीरो जीरो जीरो, तो बहुत सारे जीरो है, इतनी मेहनत में से होंगी नहीं, लास्ट में वन बचा है और ऊपर साइन जीरो जीरो, एन इंटू वन फाइनल आंसर एन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो शीट्स में तुमको मिलेंगे और जेई में आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट चल रहे हैं। थैंक यू।